ये मोक्ष की नगरी है, यहाँ निर्मल गंगा बहती है, समर्पण से शुरू होता है जीवन, यहाँ कष्टी से जिंदगी चलती रहती है, मस्त है, मलंग है, पुरानी संस्कृति का अंग है। ये काशी है, बनारस है, यहाँ भारत का हर रंग है। दौड़ते भागते शहरों से दूर बनारस की इन गलियों में हम देख रहे हैं उस सब को जो अभी तक पढ़ा था, जो अभी तक सुना था। पढ़ने सुनने से कहीं ज्यादा बनारस की हवा को महसूस करना है। चंदन का टीका, सवेरे का स्नान, सूर्य को अर्घ्य और घाटों की आरती, रूह में शांति कुछ ऐसी उतरती जाती है जैसे गंगा का निर्मल पानी हो। कानों में श्लोक कुछ ऐसे घुलते जाते हैं जैसे अमृत को पा लिया हो। यहाँ समर्पण है, यहाँ शांति है, यहाँ संस्कृति है। यहाँ आकर जितना आप बाहर देख रहे होते हैं उतना ही मन के अंदर भी देख पाते हैं। ये वही जमीन है जहाँ की गलियों में उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई की मधुर धुन गूंजा करती थी, किशन महाराज का तबला, रविशंकर जी का सितार यहीं की खुशबू समेटे हुए था। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पूरे दुनिया को शांति का, सद्भाव का और शिक्षा का देने वाली ये नगरी काशी रही है। सात वार और 14 त्योहार, ये कहावत बनारस की मस्ती को बयां करते हुए कही जाती है। ये विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ ताजी हवा बहती है, पर हवा का अंदाज वही पुराना है। बनारस सहज है, निर्मल है। बनारस अनादिकाल से संस्कृत, धर्म, अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। कई जब हम बनारस आते हैं तो इन घाटों को देखे बिना तो चैन आ ही नहीं सकता, और कहीं ना कहीं अधूरा है बनारस इन घाटों के बिना। और क्या खासियत है, क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपको सबसे प्यारा है बनारस? जी, बनारस के बारे में इतना कुछ कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि किसी भी शहर में जब आदमी कोई जाता है तो वो वहाँ उस शहर में बसने के लिए जाता है, लेकिन यह एकमात्र स्थान है जहाँ पे लोग मोक्ष की कामना में मृत्यु के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने व्यक्त किया। हमारे साथ यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं, उन्होंने भी वक्त निकाला है हमारे साथ कुछ बातों को शेयर करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बनारस की सबसे खूबसूरत बात क्या है तो आपके लिहाज से वो कौन सी है? जी, मैं तो फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ तो मुझे यहाँ 7-8 महीने लगभग हो गए हैं। और बनारस के बारे में सबसे अच्छे अगर बात कहें तो वाराणसी की वो गंगा जमुनी संस्कृति होगी। कि आप कहीं से भी आए, मैं खुद बंगाल से हूँ, यहाँ विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, आप यहाँ आके आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो भावनाएं हैं वो इस मूल स्रोत में समा जाती हैं, और कहीं ना कहीं आप देखते ही देखते इसमें घुल मिल जाते हैं। आपको लगता है जैसे जन्मों से हम यहीं पे हैं, जैसे हम यहीं आने के लिए पैदा हुए थे, ऐसा लगता है आप कहीं से भी हों। एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी थी, अगर हम काशी की तरफ रुख करें तो आपको क्या लगता है कि
आधुनिकता से कदम मिलाने में क्या काशी भी उसी तरीके से कंधा आगे मिला के चल रहा है? आधुनिक शिक्षा की बात करें, आधुनिक परिवेश की बात करें, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी शुरू से सर्व विद्या की राजधानी कहलाती है और यहाँ पे 5 विश्वविद्यालय हैं, कई 1 डिग्री कॉलेजेस हैं और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और इट इज़ नोन टू बी अ सिटी ऑफ लाइट, कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो अपनी तलाश में आता है और उसकी तलाश यहाँ आके पूरी होती है। हम आधुनिकता की बात करें तो हमारे बनारस के पास 5 भारत रत्न हैं। हमारे बनारस को 5 भारत रत्न मिली, लाल बहादुर शास्त्री जी को, बिस्मिल्ला खान जी को, भगवान दास को, रविशंकर जी को और अभी अभी हमारे महामना जी को। तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारा ये एक ऐसा बनारस है जिसे 5 भारत रत्न मिले। बनारस आकर हमारे मन में एक सवाल आया था, जो बनारस शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है, जहाँ से जुड़ी हुई है लोगों की आस्था, जहाँ बहती है पवित्र गंगा, देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी, जहाँ शांति और सुख की तलाश में लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। ऐसे बनारस शहर में क्या बुराइयों की जगह होगी? क्या यहाँ के कॉलेजों में भी रैगिंग जैसी बुराई के लिए दिलों का कोई कोना बचता होगा? इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, यहाँ के छात्रों और अध्यापकों से बात की। जी, मेरा नाम मंजीत त्रिपाठी है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और मेरे मन में ये हमेशा एक सवाल उठता रहता है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसको आज हर कॉलेज में जाने वाला जो न्यू कमर है उसको लेकर के वो बहुत ही साइकोलॉजिकली तरीके से इतना डरा हुआ होता है कि सीनियर्स उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे जब वो कॉलेज में जाएगा। तो जब वो अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके की बातें शेयर नहीं कर पाता है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर पाता, तो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। आपको ऐसा लगता है कि जब माहौल होता है कॉलेजेस में, ठीक है यहाँ पर रैगिंग बैन है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है दबे पांव चुपके चुपके कि यार बच्चे आ रहे हैं, चलो छोटा सा कुछ ना कुछ करते हैं, मस्तीबाजी थोड़ा कुछ होता है वो माहौल? देखिए, एक इंटरेक्शन का माहौल तो बनता ही है, जूनियर्स और सीनियर्स दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को जाने, और रैगिंग जो है ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरह से एक मतलब प्रतिपादन एक दूसरे को जानने का, इस तरह से इसको संवारा गया था। लेकिन रैगिंग जो माइल्ड फॉर्म में होती है, जिससे कि सीनियर और जूनियर के बीच में लिंक बनता है और उनसे आइडियाज़ मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, वहाँ तक वो ठीक है, जहाँ के रिश्ते और भ्रातृत्व के डोर बनते हैं वो ठीक है। लेकिन प्ररोचना देना या हिंसात्मक चीज़ें करना, उसे मुझे लगता है कि वो एबटमेंट के दायरे में लाया जाना चाहिए। कई बार बच्चे बोलते हैं कि रैगिंग इंट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये भी देखिए कि पूरा दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान 4 मुल्क ऐसे हैं जहां रैगिंग होती है, इस किस्म का इंट्रोडक्शन होता है। आप खुद भी सोचिए, अगर आप दफ्तर में जाते हैं, आप फ्रेंड्स बनाते हैं, आप स्कूल में हैं, आप कहीं स्पोर्ट्स में हैं, वहाँ आप दूसरे से नहीं बोलते हैं कि मैं दफ्तर में हूँ तो जो मेरे बगल वाला डेस्क वाला है पहले ज़रा नाचो फिर मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूँ। जब अगर आप दफ्तर में नहीं कर सकते हो, कोर्ट में नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्री में नहीं कर सकते हो, सड़क पर नहीं कर सकते, तो कॉलेज में इसकी क्या ज़रूरत है? रैगिंग के विषय में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा रैगिंग के विषय में कि जो इसकी जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका जो उद्देश्य है वो बदल जाने की वजह से ये रैगिंग जैसी चीज़ें उभर के आई हैं। हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता था वो होता था व्यक्तित्व का विकास, चरित्र निर्माण। आज हमारी शिक्षा केवल यहीं तक सीमित रह गई है कि पढ़ो और पैसा कमाओ। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य बदल गया है, और अगर ये उद्देश्य जो प्राचीन भारत का था वो फिर से उद्देश्य उभरे और हमारी जो यूथ जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये बताया जाए कि हमारी शिक्षा का जो मेन एम है वो है व्यक्तित्व का विकास, चरित्र निर्माण, तो मेरी ख्याल से मुझे पूरा विश्वास है कि ये रैगिंग जैसी समस्याएं उठेंगी ही नहीं। जब रैगिंग की बात होती है तो कभी कभी कुछ गलत तर्क भी दे दिए जाते हैं, जैसे हल्का फुल्का मजाक करना रैगिंग के दायरे में नहीं आता। फिर रैगिंग का दायरा आखिर है क्या? बनारस घूमते हुए
लोगों से बात करते हुए ये सवाल हमारे जहन में लगातार आता रहा और हमारी लगातार ये कोशिश रही कि हम रैगिंग नाम के इस शब्द की सही परिभाषा को ढूंढ पाए। रैगिंग एक ऐसा शब्द तो नहीं जो बस कॉलेज की चार दीवारी के भीतर उपजा हो। ये एक बुरी सोच है जो मन में पैदा होती है और व्यवहार में झलकती है। सोच जो कहीं ना कहीं समाज में पैदा होती है और संस्कृति को दरकिनार करते हुए शिक्षा में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसे रोकने को क्या किया जाए? इन सवालों का हल हमने बनारस के महापौर रामगोपाल मोहले और समाज के कुछ खास लोगों से जानने की कोशिश की। समक्ष हैं बनारस के महापौर श्री रामगोपाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत। बनारस में हैं और काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, 2.5 साल से महापौर के पद पर हैं। क्या महसूस करते हैं जब कोई बाहर से आता है बनारस में, बनारस की गलियों में आता है, तो क्या कहना चाहेंगे, बनारस की संस्कृति को आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे अपने शब्दों में? सबसे पहले तो मैं समस्त काशीवासियों को और यहाँ बैठे श्रोतागण को सुप्रभातम। और जहाँ तक काशी की संस्कृति की बात है, काशी दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने व्यक्त किया भारत के मानचित्र में और भारत के स्थान में काशी के स्थान को, बनारस के स्थान को। इसी माहौल में जब हम एक रैगिंग शब्द को भी उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, जब उसके अस्तित्व को हम महसूस करते हैं और हमें महसूस होता है कि संस्कृति और परंपरा के बीच में रैगिंग दबे पांव किस तरीके से आ गया, तो आपको कभी लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ा कारण रही है जिसकी वजह से रैगिंग एक लंबे समय तक जिंदा रहा बनारस में? देखिए, रैगिंग आदिकाल से हो रही थी, लेकिन रैगिंग का भाव दूसरा था। हमारी संस्कृति में हर चीज़ की जो व्यवस्था दी गई है उसके अपने अपने भाव थे। पहले रैगिंग का शब्द, मतलब रैगिंग को शब्द हमने थोड़ा सा डिफाइन किया। पहले ये था कि जब नया बच्चा किसी नए क्लास में आता था, उसका सीनियर बच्चा उसको थोड़ा सा उसको कड़ाई के साथ उसको बताता था कि तुमके आने वाला जीवन, ये कल तुम्हारा भविष्य है, तो उसको उन बातों को बताता, उसको प्यार देता था। आज उस रैगिंग का भाव बदलता जा रहा है और रैगिंग के आड़ में अपने वर्चस्व दिखाने की जो भाव छात्रों में आया है उसको बदलना चाहिए। आपको लगता है कि परंपरा के बीच में जो ये रैगिंग धीरे धीरे हमारे साथ चलती रही, ये परंपरा का कभी हिस्सा थी ही नहीं, तो ये आई कहाँ से? निश्चित तौर पर ये पाश्चात्य संस्कृति का जब यहाँ पे जो है शुरुआत हुई और भारतीय संस्कृति का पराभव हुआ तो तमाम चीज़ें बदलती गई। उसमें हमारा नौजवान भी बदला तो निश्चित तौर पर संस्कृति और भारत का जो एक मूल स्वरूप था, आप ये देखिए ना, आप कहते हैं अंग्रेजों का शासन अच्छा था, 32% इस भारत की संस्कृति, धन संपदा उसको लूट ले गए। जो भारत पूरे दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक व्यवस्था देता था, पूरा भारत, संसार जो है उसके आगे नतमस्तक था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको बुरी तरह से लूटा गया। उसमें धन भी था, संपदा भी थी, उसकी संस्कृति भी थी। हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी है, यहाँ पर लोग हैं बनारस से आए हुए हैं, उन्होंने अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर कुछ छात्र भी बैठे हुए हैं। रैगिंग की हम बात करते हैं तो रैगिंग की जब भी समस्याएं होती है तो सबसे बड़ा मोरल जो होता है, हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जब एडमिशन होता है तो बच्चे डर के मारे घर पे नहीं कहते कि मेरा एडमिशन बहुत प्रॉब्लम से, वो मैं घर पे कहूँगा तो घर वाले कहेंगे मत पढ़ो तुम आ जाओ। इस तरह वो इन दोनों बीचों वो जो अपने सीनियर्स की रैगिंग को सहता है और फिर वो घर के प्रेशर देखता है कि मेरा एडमिशन इतनी प्रॉब्लम से हुआ। तो सबसे बड़ी बात होती है हमें अपने घर वालों से इस बात को कहना चाहिए, और वो नहीं भी कहता है तो घर वालों को उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। रैगिंग की ज्यादा अगर समस्याएं बड़े बड़े कॉलेजों में इसी तरह से आती हैं। हमारे साथ एक और यहाँ के नागरिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप क्या महसूस करते हैं कि जब कभी आपने अपने बच्चों से या अपने आसपास के लोगों से या पड़ोसियों से कभी रैगिंग जैसे शब्द के बारे में सुना है या खुली चर्चाएं होती हैं इस पर? चर्चा तो बहुत होती है, क्योंकि खुद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, और वहाँ पे रैगिंग तो चरम सीमा पे था,
लेकिन रैगिंग उस ढंग का होता था जैसे परिचय में, जैसे एक सीनियर छात्र जूनियर छात्र के कमरे में जाते थे, उनका परिचय लेते थे, उनको बताते थे कि कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन बाद में तीसरे चौथे साल जब हम पहुँचे, उस समय रैगिंग जो है अपने उस मुकाम पे पहुँच गया जो कि किसी को पसंद नहीं है। वो वहाँ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ जाति करना, ये शुरू कर दिए। ये बहुत गलत है। परिचय तक तो ठीक था, लेकिन जो इन्होंने आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत ज़्यादा इसमें बदनाम शब्द का प्रयोग मैं करना चाहूँगी इस वक्त कि हो चुके हैं कि वहाँ पर जो रैगिंग का जो चेहरा दिखाई देता है वो बहुत ही हिला देने वाला रहा है। मैम, जिस तरीके से महापौर जी को भी आपने सुना, आपको भी अब लगता है कि ये जो चुनौती है ये इतनी बड़ी नहीं है जिसे हम मान के बैठ गए हैं। हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंच सकता है, किसी को दुख हो सकता है, किसी को पीड़ा हो सकती है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को परेशानी ना हो, हमारा माहौल अच्छा हो। तो हम अगर उनको प्रारंभ से ही ये शिक्षा दें तो हमें लगता है कि हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं समाज से, क्योंकि जब ये भाव हमारे अंदर होगा तो हम जरूर सोचेंगे कि हमारे इस व्यवहार से सामने वाले को कष्ट है तो हम नहीं करें। और मेरा ये कहना है कि इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ओरिएंट करके, क्योंकि अगर एक साल का बच्चा जो फर्स्ट ईयर में आया है वो अगर इन चीज़ों को जानता रहेगा, वो अपने जूनियर्स के साथ नहीं करेगा, तो शायद जो उनका जूनियर आएगा वो फिर अपने जूनियर के साथ नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत आपने कर दी है इस बात को यहाँ पे रखकर। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आगाज कर रही है रैगिंग को ना कहने के लिए, आपको लगता है कि ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास है, वो रंग जरूर लेकर आएगा? प्रचार और प्रसार को हम ज़्यादा जोर दें और समाज के अंदर अपनी जिम्मेदारी समझें। जिस तरह हम अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं, उस तरह समाज में होने वाली ये जो कुरीतियाँ हैं उसके प्रति भी कहीं ना कहीं हमको जागरूक होकर रैगिंग में शब्द इसका जो सदुपयोग है, भाई छात्र को, सीनियर छात्र को जूनियर छात्र के प्रति एक बड़े भाई और पिता का स्नेह देना चाहिए, ये भाव पैदा हो। निश्चित तौर पर आज वर्तमान में देश में जो नेतृत्व आया है वो निश्चित तौर पर हर दिशा में परिवर्तन की ओर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी बड़ा हुआ हाथ मिलेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल महापौर सर ने भी यहाँ पर निभाया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मंच साझा किया हम सभी से, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी संकल्प के साथ जोरदार तालियाँ हो जानी चाहिए महापौर सर के लिए भी कि उन्होंने थोड़ा वक्त निकाला और आप सभी ने भी उनसे अपने मन में उठने वाले बेबाक सवालों को उनके समक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बनारस आए, कॉलेज में होती रैगिंग पर इतनी सारी बातें हो जाए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय न जाए, ऐसा कैसे संभव है? बातचीत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाती और हर पक्ष की निष्पक्ष राय जानने की हमारी इच्छा हमें खींच लाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इतने बड़े कैंपस में IIT, IMS, लॉ, इतने चीजें होना एक अद्भुत बात है। ये हर चीज बेचू को हर यूनिवर्सिटी से अलग रखती है। इस यूनिवर्सिटी को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपने कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से, यहाँ के एजुकेशन के साथ के लिए और साथ में यहाँ के ग्रीन एनवायरनमेंट की वजह से। हरे भरे पेड़ों से घिरे शांत वातावरण लिए इस विश्वविद्यालय में दाखिल होने पर लगता है आप किसी मंदिर में आ गए हो। शिक्षा का ये मंदिर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों की नींव पर बना है। जाने कितनी महान हस्तियों के योगदान ने ज्ञान के इस मंदिर को ख्याति दिलाई है। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बताना चाहें जो ये लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उन लोगों के लिए, तो क्या खासियत है आपके इस विश्वविद्यालय की? सबसे पहले तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का ये मतलब विद्यालय है, सबसे बड़ी खासियत तो यही है। और बाकी ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे मतलब सारे फील्ड आपको मिलेंगे, मतलब सारे फील्ड से रिलेटेड सारी पढ़ाइयाँ, कोई भी आपको किसी भी फील्ड में जाना हो या फिर सारी फील्ड की पढ़ाई आपको यहाँ पे मतलब ईजिली आप अवेलेबल होता है। रैगिंग
मेरा तो ये बीएससी थर्ड ईयर है, अभी तक तो मेरा कभी कोई रैगिंग नहीं हुआ है, ना कभी ऐसा कुछ सुनना है मैंने। हाँ, कभी कमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बीएचयू के ही स्टूडेंट हो, वो बाहर के भी मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ रैगिंग होती है, इट्स एंटी रैगिंग आई थिंक। हाँ, होता है कभी कभी, बट इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा ही, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स मतलब बाहर भी सुनने को मिलता है, अंदर भी सुनने को, इट बिकम्स लाइक अ रूटीन लाइफ। रैगिंग बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता हम लोग के लिए अभी तक तो, क्योंकि हम लोग ने एक भी केस ऐसा नहीं सुना है जिसमें कि कोई ऐसा रैगिंग, मेंटल या फिजिकल टॉर्चर किसी को किया गया हो। तो बिल्कुल रैगिंग फ्री कैंपस बोल सकते हैं इसको। हमारा डिपार्टमेंट तो बहुत ही फ्रेंडली रहा, हमारे सीनियर्स भी बहुत फ्रेंडली थे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अराउंड 24 आवर्स में हमारे वार्डन आ जाते हैं, ऐसी कोई भी रैगिंग की प्रॉब्लम होती है हमारे हॉस्टल में। इधर उधर हमने आउट ऑफ कैंपस सुना है कि थोड़ी बहुत रैगिंग होती है इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, बट द फर्स्ट डे आई एंटर्ड हियर, राइट साइड हम लोग जो मेन चौक है फर्स्ट, वहाँ पे राइट साइड लिखा होता है एंटी रैगिंग कैंपस बहुत बड़े बड़े में। एंड देन पहली बार जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ भी हम लोग के वीसी सर और बाकी जो भी फैकल्टी वहाँ पे, जिन्होंने बोला था, दे सेड कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कम टू अस, हम लोग का ये स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर है, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब वी हैव ऑल द प्रॉक्टर्स आर देयर, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को हेल्प नहीं मिल सकती या समथिंग ऑफ दैट काइंड। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र रहा है, जिसके प्रांगण में बना है विश्वनाथ का एक बड़ा सा मंदिर, जो देश के बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। जरा सोचिए, वहां रैगिंग की कोई जगह हो सकती है क्या? ऐसे कई सवालों का जवाब मिला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी से। रैगिंग एक अपराध है और कई बार शिक्षण संस्थाओं में परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर इस तरह के जो प्रयास चलाए जाते रहे हैं, उनका प्रभावित लोगों के मन, मस्तिष्क और हृदय पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के मंदिर में ऐसी बातें क्यों होती हैं जो समाज को अंधेरा दे जाती हैं? आखिर कौन सा ऐसा आनंद होता है जिसके लिए मासूम छात्रों की जान से खिलवाड़ किया जाता है? नए छात्रों के परिचय के नाम पर गलत व्यवहार करने वाले पुराने छात्रों को तो ये भी याद रखना चाहिए कि परिचय तो वो भी दे रहे हैं, पहली मुलाकात तो उनकी भी है उनके जूनियर्स के साथ, और ये गलत ढंग उनका परिचय सही कैसे देगा? मैं विद्यार्थी समुदाय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने उन छोटे भाइयों के प्रति, अपने सहयोगी भाइयों के प्रति संपूर्णता में विचार करें कि उनके व्यक्तित्व के विकास में उनकी भागीदारी कैसी बन सकती है, और जब वो ऐसा विचार करेंगे तो उनको खुद लगेगा कि शायद रैगिंग इस दृष्टि से एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जिसे उन्हें खुद खत्म करना होगा। यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ के छात्रों से बात करके, यहाँ के शिक्षकों से बात करके हम लौट रहे हैं बनारस से, मन में खूबसूरत सी उम्मीद लिए कि संस्कृति की शिक्षा जहां से पूरे देश को जाती है, वही बनारस पूरे देश के आगे ये मिसाल रखेगा कि रैगिंग जैसी कोई भी बुराई शांति और सद्भावना की हमारी संस्कृति से बड़ी नहीं हो सकती, इसे जड़ से खत्म होना ही होगा बहुत जल्द।